अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे उड़द दाल और अरबी के पत्ते की सब्जी, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक बार मेरी तरीके से ज़रूर बना के खाना गाइस। आपने अरबी की सब्जी तो बहुत खाए होंगे, लेकिन मेरी तरीके से अरबी के पत्ते की सब्जी बना के खाओगे आप उड़द दाल के साथ मिला के, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। घर वाले आपकी तारीफ करते रह जाएंगे। आप कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहना गाइस। तो चलिए गाइस, सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। हमने पत्ते ले लिए अरबी के, ये 8 से 10 पत्ते हैं। मैंने इसको अभी धोया नहीं है, डंडी में लगे हुए थे, मैंने काट के रख लिया है। अभी इसको धोएंगे पत्ते को। इधर हमने दाल लिया है, ये आधा किलो उड़द की दाल है। मैंने इसमें और कोई सी दाल नहीं मिक्स किया है। आप चाहो तो चने की दाल मिक्स करके बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनेगा। पर खाली उड़द की दाल से बनाओगी तो और ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसीलिए मैंने खाली उड़द की दाल, छिलके वाली दाल भिगाया था आधा किलो। ये भीग के इतनी ज़्यादा हो गई है, मैंने धो लिया अच्छे से, 8 से 10 बार पानी लेके धोया था, बहुत अच्छे से साफ हुई है ये। अब चलते हैं गाइस, दाल को पहले पीस के तैयार करते हैं मिक्सी जार में डाल के, उसके बाद सब्जी बना के दिखाऊंगी। आप लोग बने रहना कंटिन्यू हमारे वीडियो में। देखिए गाइस, मैंने 3 से 4 चम्मच दाल डाल ली है मिक्सी जार में। थोड़ी थोड़ी करके पीसेंगे, एक साथ पूरी नहीं पीसना है, जितनी आ रही है एक बार में उतनी पीसूंगी। इसमें हमने पानी नहीं डाला है, अगर जो बाद में ज़रूरत लगेगी तो डाल लूँगी हल्का सा पानी, नहीं तो बिना पानी के पीसूंगी। देखिए गाइस, मैंने सारी दाल पीस के रख लिया है, कुछ ज़्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ी सी दरदरी सी पीसा है। आप देख सकते हो, ऐसे दरदरी सी पीसोगे तो बहुत टेस्टी बनेगी सब्जी। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी ले लिया है, ये पूरा भर के चम्मच नहीं लिया है। अब डाल देती हूँ दाल के ऊपर। मैंने दाल को गाइस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसा है, क्योंकि ये दाल बहुत चिकनी होती है, सिजार में चिपक रही थी, तो इसीलिए मैंने हल्का हल्का पानी डाल के पीस लिया। मैंने थोड़ी सी हल्दी बचा दिया है इतनी सी। अब इसमें नमक डाल देते हैं, और कुछ भी मसाले नहीं पड़ेंगे। मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, कम ही डालूंगी क्योंकि सब्जी में भी डालना है। आधा मैंने डाल दिया है। अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथ को मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि ये दाल चिकनी होती है तो चम्मच से ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसीलिए हाथ से मिला देती हूँ। नमक हल्दी पूरे दाल में मिक्स हो जाएगी। खाली नमक हल्दी मैंने डाला है, आप चाहो तो मिर्ची भी डाल सकते हो। देखिए गाइस, मैंने अच्छे से हल्दी नमक मिला दिया दाल में। अब थोड़ी सी 2 चुटकी मैंने हींग ले लिया है, इसे भी डालूंगी। हल्का सा पानी डाल देती हूँ, बिल्कुल 2 बूंद डालना पानी। अब इसे मिला लेते हैं हाथ से। मैंने पाउच वाली हींग लिया है, जो पाउच में 10 रुपये का पैकेट आता है, थोड़ी मोटी रहती है, दानेदार, ये मिलाना पड़ता है। देखिए गाइस, हींग हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब डाल देती हूँ दाल में, इसको हाथ से अच्छे से मिला देंगे पूरी दाल में। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, और खाना भी हजम हो जाता है बहुत जल्दी, पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती है हींग। अब इसे मिला देती हूँ, दाल को ज़्यादा फेंटना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से मिला रही हूँ। अब दाल हमारी रेडी हो गई है, मैंने सारी चीज़ मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, अब पत्ते में भर लेते हैं दाल को। इधर हमने पत्ता रख लिया एक बर्तन में, बड़ा सा मैंने बर्तन लिया है, परात थोड़ा थोड़ा चम्मच से उठा के इसे भर लेते हैं। पूरे पत्ते पे लगा लेना है, इसी तरीके से फैला के मैंने पत्ते को धो लिया अच्छे से। यहाँ पत्ते मिलते नहीं है गाइस, दिल्ली में बहुत मुश्किल से मिले हैं, बहुत काफ़ी दिनों से मन कर रहा था ये वाली सब्जी खाने को, पर पत्ते ही नहीं मिलते हैं जल्दी यहाँ। गाँव में तो पत्ते बहुत रहते हैं, खेतों में हर कोई बोता है अरबी। देखिए गाइस, मैंने दाल को पत्ते में भर लिया, पूरे पत्ते पे दाल लगा लिया चम्मच से। अब इसको पलट देते हैं, ऐसे लपेट ले देंगे, इस तरीके से सारे पत्ते लपेट के रख लेंगे दाल से भर के। आप चाहे छोटा बनाओ, छोटा पीस, या बड़ा पीस बनाओ। एक पत्ते में हमने भर लिया है, अब इसको साइड में रख देते हैं। अब दूसरा पत्ता भर लेते हैं, सारे पत्ता इसी तरीके से भर लेंगे दाल से, उसके बाद में दिखाएंगे आपको। देखिए गाइस, मैंने सारे पीस बना के तैयार कर लिया है। इधर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया सरसों का, ये गरम हो रहा है, गरम हो जाए उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। देखिए गाइस, तेल हमारा गरम हो गया है, अब डाल देती हूँ एक एक पीस करके। आराम आराम से डालना है, कहीं तेल हाथ पे ना पड़ जाए। एक बार में जितनी पीस आएंगी उतनी डाल दूंगी, थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लेती हूँ।
की सब्जी बहुत पसंद करते हैं हमारे घर में, सभी सभी को अच्छी लगती है। अपने पीस मैंने डाल दिया, अब नीचे से हो जाए थोड़े से, फिर इसको पलटूंगी। देखिएगा अब इसको पलट देते हैं धीरे धीरे करके आराम से। एक साइड से हो गया अच्छे से, इसको अलग पलट के सेकेंगे अच्छे से। मीडियम आंच पे सेकना है वरना ये जल जाएगा, ताकि अच्छे से ये हो जाए अंदर तक। मैंने ज़्यादा दाल भर भर के बनाया है, मैंने ज़्यादा दाल भर दिया था इसलिए मोटे मोटे हैं ये। अब ये फूल रहे हैं तेल में तो और ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। इसको अच्छे से तेल में फ्राई करूँगी। आपको फ्राई करके नहीं बनाना है तो आप बॉईल करके भाप से बना सकते हो, उसे भी अच्छे बन जाते हैं टेस्टी। देखिए गाइस अभी ये सारी पीस हो गई अच्छे से, अब निकाल लेती हूँ प्लेट में। बहुत अच्छे से कलर आया माशाल्लाह, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है उड़द दाल की। हमारी तरफ इसको रिकोचा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में जरूर बताना गाइस। आप लोग कौन से देश से कौन से शहर से हमारी वीडियो देखते हो गाइस ये भी बताया करो कमेंट में, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। पर एक बार आप इस तरीके से जरूर बना के खाना गाइस फ्राई करके, आप बार बार इसी तरीके से बना के खाओगे, घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, सारा इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ उसके बाद दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस मैंने सारे फिश को फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया, कितने फूले फूले बने हैं, बहुत अच्छे से तेल में फूल गए हैं। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर आपको काट के दिखाते हैं। हल्का सा ठंडा कर लूँ, ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। देखिए गाइस मैं काट के दिखा रही हूँ, अभी ये हल्का सा ठंडा हुआ, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। ज़्यादा छोटे पीस नहीं करूँगी, थोड़ा बड़े रखूँगी। ये अंदर से बहुत अच्छे से हो गया है, बिल्कुल टाइट है, कितना बढ़िया कटिंग हुआ है। सारे इसी तरीके से काट लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको सब्जी बना के। देखिए गाइस मैंने कढ़ाई से तेल कम कर दिया है, उसी तेल में बना रही हूँ सब्जी। अब दो तीन दाना मेथी की डाल देती हूँ, मेथी हमारी हो जाए उसके बाद मसाले डालूंगी। देखिए गाइस मेथी हमारी हो गई है, अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। देखिए गाइस मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने जायफल भी डाला था उसी में कूट लिया था लहसुन अदरक के साथ, आधा प्याज भी कूटा था। अब इसमें पिसे हुए मसाले डाल देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो मिर्ची, नमक 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, इसको ऐसे भी खा सकते हो फ्राई करके, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर 2 चम्मच, बिल्कुल सिंपल मसाले डाल के बना रही हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ। ये सब्जी मैं बिल्कुल नॉर्मल मसाले से बना रही हूँ, जो घर में सभी के घर में मौजूद होते हैं, कोई ज़्यादा मसाले डाल के नहीं बना रही हूँ झंझट वाला। जब भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है गई। अब मसाले को भून लेते हैं अच्छे से, ये भून जाए उसके बाद मैं नमक डालूंगी इसी में। देखिए गाइस मसाले हमारे भून गए हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले हमारे जले ना। अब नमक डाल देती हूँ, नमक मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो जितना खाते हो नमक। अब सब्जी डाल देती हूँ इसमें, मसाले में थोड़ा भून जाएगी। मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं, मैंने बिल्कुल नॉर्मल मसाले से बना के दिखाया है। अब इसे मिक्स करते हैं अच्छे से, पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए सब्जी हमारी, उसके बाद में पानी डालूंगी। इसकी तरी मुझे बहुत पसंद है। देखिएगा इस मसाले में मैंने भून लिया इसको 1 मिनट अच्छे से, मसाला अच्छे से चढ़ गया है। इसको ऐसे भी खा सकते हो आप तरी ना लगाओ तो, पर तरी इसकी बहुत टेस्टी लगती है चावल के साथ, रोटी के साथ। अब इसमें पानी डाल देती हूँ। मेरे यहाँ तो बिना तरी की ये सब्जी बनती नहीं है कभी, तरीदार बनती है जब भी बनाती हूँ। अब देख लेते हैं इसको चला के, पानी कम होगा तो और डालूँगी थोड़ा सा, क्योंकि बाद में ये पानी ये सब्जी बहुत पीती है, बाद में पानी कम हो जाता है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया है। अब इसमें उबाल आने देते हैं तरी में अच्छे से सब्जी हमारी पलक जाए, उबाल आ जाए उसके बाद दिखाते हैं आपको। अब सब्जी को ढक देती हूँ, इसको थोड़ा खुला ही रखना है, पूरा नहीं ढकेंगे।
अब ये तैयार हो जाए, इसमें उबाल आ जाए, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, सब्जी हमारी बलक गई है, सालन अच्छे से पक गया है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का पाउडर लगा देती हूँ। ये भुना हुआ है, मैंने भून लिया है, एक छोटा चम्मच डाल देती हूँ। 8-10 काली मिर्च पीसा है और थोड़ा सा जीरा है। अब थोड़ी सी कटी हुई धनिया डाल देती हूँ, हरी धनिया को मैंने बारीक काट लिया था, सब्जी के ऊपर डाल दिया है। सब्जी हमारी तैयार है, अब गैस को कर दूंगी बंद। गैस को मैंने बंद कर दिया है, अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं।